गाइस ये जो Realme 10 की लाइनअप है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, बहुत से नए चीजों के साथ बहुत से नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें लगता है, और बेसिकली बहुत से रूमर्स देखने को मिलते हैं, बहुत से नए नए चीज़ देखने को मिलते हैं, कभी ये होती है कभी वो होती है, तो इसलिए हम सारी चीज़ों को कंपाइल्ड करेंगे। और वैसे हमारी कहीं भी बातें हमेशा सही भी होती हैं, वैसे बहुत से नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी नया बैटरी, कभी नया प्रोसेसर, कभी नया कैमरा के साथ बहुत से नए डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस बार Realme 10 Pro स्मार्टफोन में दो बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, पहला स्मार्टफोन का 200 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरा स्मार्टफोन का लार्ज डिस्प्ले, जो कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे इस बार Realme 10 सीरीज में आपको तीन नए डिवाइस देखने को मिलेंगे, पहला Realme 10, दूसरा Realme 10 Pro और एक Realme 10 Pro Plus। ऑलराइट, Realme 10 Pro स्मार्टफोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स की स्टार्ट स्मार्टफोन की डिस्प्ले से करते हैं। सो स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज अप टू 6.4 इंचेस का देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है, फुल्ली एमोलेड रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एचडी 10 प्लस का सपोर्ट होने वाला है। प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स। तो खैर ये तो कुछ नहीं था, इससे भी बड़ी अपडेट्स है स्मार्टफोन की बैटरी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। सो 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगा, बट चार्जर जो अकॉर्डिंग टू रूमर्स 45W या फिर 50W के नियर अबाउट देखने को मिलेगा, बट कंपनी ये क्लेम करता है कि जो डिवाइस है इसमें आपको चार्जर इनबॉक्स ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इस बात करें स्मार्टफोन की पावर के बारे में या किसी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, सो स्मार्टफोन में आपको एटलीस्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 चिप का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 2.8 GHz का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, बेहतरीन एड्रेनो के साथ बेहतरीन ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं Realme 9 Pro स्मार्टफोन से आप इस स्मार्टफोन में काफ़ी बेहतर गेम प्ले कर सकते हैं। वैसे कैमरा डिपार्टमेंट से पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट के बारे में। सो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन के बेस रैम वेरिएंट में आपको 8 to 128 GB देखने को मिलेगा, एंड जो इसका अपर वेरिएंट है उसमें आपको 12 to 256 GB देखने को मिलेगा। वैसे स्मार्टफोन का बेस ब्रांड का प्राइस 30,000 से कम में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। सो यहाँ पे आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा जो कि सोनी के सेंसर से बिल्ड अप हुआ है, उसी के साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा और दो सेंसर देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के क्वाड्रेंट कैमरा सेटअप के अंदर। वैसे कि इस स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल या फिर 16 मेगापिक्सल आप होप कर सकते हो देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे उससे भी कमाल की बात यह है कि स्मार्टफोन के प्राइमरी सेंसर से आप 4K FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, और लीक्स के अकॉर्डिंग इस बार स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर में और भी बहुत से नए नए फीचर्स ऐड किए जाने वाले हैं। एंड एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे शायद एंड्रॉइड वर्जन 12 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, या गाइस यहाँ पे आपको 11 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, OS देखने को मिलेगा UFS 3.1 एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। एंड वही बात करें स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में, सो ये जस्ट एक रूमर्स है, इसके ऊपर कोई भी सर्टिफिकेशन रिवील्ड नहीं हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू लीक्स ये स्मार्टफोन सितंबर के एंड में इंडिया मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। तो गाइस होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा।